सोया चंक्स की एक ऐसी सब्जी बनाऊंगी कि आप मछली खाना भूल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले सोया चंक्स को हमने धो करके अच्छे से बॉईल कर लिया और इसे ग्राइंड कर लिया। इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, बेसन और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसका मनचाहा शेप दे दीजिए। मैंने टिक्की का शेप दिया था और इसे हम सारे तैयार कर लेंगे और स्टीम होने रखेंगे करीब 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद इसे ठंडा करके हम थोड़े से पैन में तेल डाल करके इसे शैलो फ्राई कर लीजिए दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक। ये हमारे तैयार हैं। अब उसी पैन में हम डालेंगे जीरा, मेथी, लाल मिर्च और प्याज का पेस्ट। अच्छे से भुन जाए तब इसमें डालेंगे पीली सरसों का पेस्ट और इसे करीब 5 से 6 मिनट कुक कर लीजिए। हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, गरम मसाला डाल करके इसे अच्छे से भुन लीजिए। टमाटो की प्यूरी डालेंगे और इसे कुक कर लीजिए। इसमें पानी डाल के कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए और बॉयल आने पर सोया चंक्स जो हमने तैयार किया था फ्राई करके उसे मिला दीजिए। लास्ट में धनिया पत्ती डाल के मिक्स कर लीजिए। ये बन करके तैयार है।